जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के जय वंदे मातरम लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका मंडे का यानी आपका 29 जून का सेशन ऑन योर करंट अफेयर, जो कि मैं हर रोज सुबह आपके लिए मंडे टू संडे लेके आता हूँ। चलिए, अब तो संडे को होता है आपका क्या क्या होता है अब तो आपका शायद बहुत बच्चों को पता नहीं है, बहुत बच्चों ने देखा नहीं। संडे आपका होता है वीकली करंट अफेयर रिविजन। इसमें मैं जितने सारे क्वेश्चन मैंने पूरे हफ्ते में कवर करे उन्हें एक क्विक वीडियो लाइक 20-30 मिनट्स की वीडियो में कवर करता हूँ। कल उसका पार्ट वन आया था जिसमें मैंने 21 से 28 जून तक को पूरा कवर करा था। उसको जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में, ठीक है। और अगर आपको मैं पसंद आता हूँ, आपको लगता है कि हाँ सर बहुत मेहनत करते हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप प्लस के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कोड यूज़ करना है प्रणव टेन का कोड यूज़ करेगा तो आप ना केवल 10% का डिस्काउंट पाओगे, साथ ही साथ आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप, यू नो दिस इज अपार्ट फ्रॉम दी अनअकैडमी, आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप के भी एक पार्ट बन सकते हैं जिसमें मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा। आप भले किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप प्रणव 10 और प्रणव IT किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हो। मैं आपको हर एक एग्जाम के लिए, यू नो आई कैन टेल यू मैं उसको कैसे अप्रोच करता, भले वो बैंकिंग हो, UPSC CSE हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स दिए हैं तो आई नो लाइक हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल। बस एक बैंक का एग्जाम भी था, वो मैंने बिन पढ़े दिया था, उस साल कट ऑफ गई थी SBI की 57, आई गॉट 53। तो विदाउट स्टडिंग नथिंग टू बोस्ट अबाउट, मेंस में मेरे को पक्का पता है बिनो बिन पढ़े नहीं कर पाता, लेकिन स्टिल इट्स लाइक अगर मैं बैंक के लिए भी ध्यान लगाता तो मैं उसका भी कर लेता, बट नो आई थिंक माई जर्नी दिस, मेरे को ये करना था, मेरे को यू नो एक माध्यम बनना था बच्चों के लिए, विच इज़ गुड। आई एम क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स, फ्यूचर डिफेंस यू नो एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये बेहतर है। अगर आपको लगता है कि प्रणव सर अच्छा पढ़ाते हैं तो प्लीज़ 10% का डिस्काउंट के लिए आपको ये प्रणव 10 का कोड यूज़ करना है और मेरे पर्सनल मेंटरशिप के साथ भी आप जुड़ पाएंगे बिल्कुल। जिसमें मैं आपके लिए पर्सनली आपके ऊपर पूरा योगदान दूंगा, पूरा आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करूंगा। और आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, आप मेरी प्रोफाइल विजिट करें, वहाँ मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको मैं पसंद आता तो मेरे को एक हैट होती है, वो अलग अलग मिनट्स का अलग अलग, आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं। प्लस यू कैन रेट मी ऑल्सो वहाँ पे अनअकैडमी पे, अगर आपको मैं पसंद आता जो है प्लीज़ गिव मी एन ऑनेस्ट फीडबैक, ओके। चलिए थैंक यू, शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला सवाल यह है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। देखिए इस मैं आपको हिंट दूँ तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने अभी आपका एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम भी लॉन्च करी थी, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ठीक है, एक तो पढ़ो एक तो खेलो ऐसे स्कीम का नाम था। तो कौन सी थी आपकी, वो त्रिपुरा थी है जिसने लॉन्च करा है, और त्रिपुरा थी वो जिसने वो भी लॉन्च करा था मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना। इससे ₹500 बहुत की एक आपको हेल्थ किट दी जाएगी जो भी आपकी प्रेग्नेंट और आपकी लैक्टेटिंग वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मतलब जो भी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है ब्रेस्ट में, ठीक है। तो एक हेल्थ किट दी जाएगी ₹500 की सारी प्रेग्नेंट और आपकी लैक्टेटिंग मदर्स को, जिनसे उनकी हेल्थ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अब मैं बात करूँ त्रिपुरा की तो आपको मेरे को बतानी है यहाँ की कैपिटल, आप मेरे को कमेंट पे लिख बताएंगे कि सर त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। ओनली स्टेट विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स। इसका CM बात करो तो बिप्लब कुमार देव हैं इसका CM, आप मेरे को कैपिटल जरूर बताएंगे। ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन है जो आ सकता है क्योंकि त्रिपुरा नीति सिंह लॉन्च कर दी है और यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बिप्लब कुमार देव आपके यहाँ के CM हैं, और अगर मैं बात करूँ यहाँ के गवर्नर की तो वो आपके रमेश बायस हैं, रमेश बेस या बायस। अगला सवाल, नीति आयोग पार्टनर विद डैश टू लॉन्च अ बिहेवियर चेंज कैंपेन कॉल्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नीति आयोग ने डैश के साथ एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करने वाली भागीदारी की जिसमें द न्यू नॉर्मल ठीक है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कहा जाता है, क्या इसका नाम है, मतलब किस साथ शुरू करें। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज CSPC अशोका यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। ये सिंपल सा आपके ऑल ऑफ द अबव के साथ करें, यानी आपके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, सेंटर फॉर सोशल बिहेवियरल चेंज एंड अशोका यूनिवर्सिटी के साथ, और मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ये मिलकर इन्होंने लॉन्च करा, किसने, आपके नीति आयोग ने। अगला सवाल, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन टीबी पेशेंट्स इन 2019 व्हेन कंपेयर टू 2018 एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट रिलीज बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 में की तुलना में 2019 में टीबी रोगियों में 10% वृद्धि का क्या है, कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, 10%, 12%, 13% या 14%।
ये 14% की वृद्धि हुई है, 14% का एक इंक्रीज हुआ है टीबी पेशेंट का, अगर हम 2018 से 2019 की बात करें। ठीक है, ये रिपोर्ट लॉन्च करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जिसके जो मिनिस्टर है वो कौन है आपके, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसके मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च करी, वर्चुअली लॉन्च करी गई थी रिपोर्ट। ये बताती है कि इंडिया टीबी से कैसे लड़ रहा है और इंडिया टीबी से कैसे मतलब कह सकते हैं कि इंडिया टीबी से कैसे छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या स्टेप्स हैं, क्या उनका इफेक्ट है, क्या उसका इफेक्ट नहीं है, और जो इंक्रीज पेशेंट हुए उनको क्या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, और एक आपको फेमस पता होगा, एक आपका डॉट्स की गोलियों का ट्रीटमेंट होता है, वो भी टीबी के लिए होता है, सब पूछा जाता है। अगला, मेसर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग विद विच कंपनी जॉइंटली लॉन्च फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्केल बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्केल बिल्ड इनोवेशन कैंप। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप में निशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्किल बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप का शुभारंभ किया। किसके साथ करा? IBM, गूगल, TCS, CTS, ये आपके IBM के साथ करा है। ये एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल डिजिटल है ये, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये जॉब सीकर्स और जो जॉब गिवर्स हैं दोनों उनको ये कनेक्ट करेगा। इट इज़ अ कनेक्ट प्लेटफॉर्म, आप उस पर अपनी स्किल्स अनाउंस करके कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको जॉब देने वाला जो हायरिंग कर रहा है। और ये एक आपका पोर्टल है आपका भारत स्किल्स .gov.in, ये उस पर आएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ DGT, डिपार्टमेंट डाटा जनरेट ऑफ ट्रेनिंग या डिपार्टमेंट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, ये उसके साथ मिलकर इन्होंने करा है, या आपके IBM ने, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो आपका DGT है। अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर्मुलेटेड अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ कैटराइजेशन ऑफ OBCs। OBC का उपवर्ग कार्यक्रम के लिए मुद्दे के जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर DP सिंह सरकारिया जी, रोहिणिया विवेक जोशी, आपकी रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी जी हैं इस कमेटी के हेड। ये OBCs में कैटराइजेशन, सब कैटराइजेशन करने के लिए, सब कैटेगरीज बनाने के लिए इसको बनाया गया है। इसको 6 महीने का एक सेशन दिया, इसके पहले थी कि 31 जुलाई 2020, अब इसको 6 महीने का एक्सटेंशन देके 31 जनवरी 2021 तक खींच के लेके जाया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। किस संगठन ने समसेवन और शिक्षा सभी साधन सभी शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ, IMF, यूनेस्को या WEF? या फिर यूनेस्को ने करी है, या फिर यूनेस्को ने करी है। ये एक्चुअली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। आने वाले कुछ लेक्चर्स हैं जो मैं 1 से 2 लेता हूँ, उनमें मैं आपको करवाने वाला हूँ, शायद कल ही करा दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ गोल्स है जो अगर सारी दुनिया को 2030 तक करने हैं, जैसे दुनिया ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ जाएगी। इसका एक SDG 4 होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसके तहत सबको एजुकेशन देनी हमारे को अनिवार्य है, और साथ साथ और जो SDG के गोल्स हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंध रखते हैं, उनके अंडर भी हमने ये एक स्कीम लॉन्च करी है, या एक रिपोर्ट रिलीज करी है। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और दूसरी चीज यूनेस्को के अभी चेयरमैन कौन है या हेड कौन है। ठीक है, अगला, फाइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री विच यूज ड्रोन माउंटेड ULV अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर फॉर लोकस कंट्रोल। दुनिया के पहले देश का पता लगाया है जिसने टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर का इस्तेमाल किया था। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान या चाइना को जान के खुशी होगी कि पूरी दुनिया में यह इंडिया है जिसने ऐसा करा है। इसने एक ड्रोन पे ULV स्प्रेयर लगा के स्प्रे करा है, जैसे लोकस्ट का जो हमारे पे अटैक हुआ वो कम हो जाए और हम जीत पाए। इंडिया के बारे में क्या बताना है, इसकी कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली है, प्रेजिडेंट आपके रामनाथ कोविंद जी हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर आपके मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, उनको पता ही होगा। अगले, द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वायू इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया एंड हैज बीन लॉन्च्ड। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है, और इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पे? लंदन, पेरिस, अबू धाबी या लॉस एंजल्स? यहाँ पर लॉस एंजल्स में लॉन्च करा गया है। लॉस एंजल्स जो कि कहाँ पे, एक आपका शहर है आपका USA में, USA के आपकी कैपिटल अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन DC, जिसे हम DC भी कहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके? डोनाल्ड ट्रंप। दसों वाला मीम देखा है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
डोनाल्ड ट्रंप जी का नाम थोड़ा हेर फेर कर दिया था, मेरे को वही प्रोनाउंसिएशन आते बोलना चाह रहा था, लेकिन दिस इज एजुकेशन चैनल तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी अगर समझ गए हैं, अगर आप मीम का शौक रखते हैं तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, थोड़ा हंसना भी जरूरी होता है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। मैंने कल भी जो लेक्चर लिया कि पीस ऑफ माइंड, उससे पहले जो लेक्चर लिया था वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, जैसे नहीं देखा मैं उसके सजेस्ट करूँगा प्लीज जाके देखो, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सैटरडे संडे के, आप सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। 3 बजे मैंने दोनों दिन लिए हैं, कल तो पीस ऑफ माइंड पे, उसमें मैंने यही बताया कि हम इंसान हंसना भूल गया है, स्पेशली स्टूडेंट, वो सोचता है मैं स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मतलब सीरियस रहना है, सीरियस नहीं रहना यार, आप पढ़ोगे पढ़ो, लेकिन खुश होकर पढ़ोगे ना तो आउटपुट याद आएगा, आप एफर्ट दे पाओगे अपना, जैसे थोड़ा हंस दिया करो, हंसो थोड़ा सा। अगला, विद द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस महापरवाना प्लान टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? है महाराष्ट्र ने करी है, ठीक है, हालात खराब हैं इसलिए महाराष्ट्र ने एक स्कीम निकाली। अच्छी स्कीम है, जैसे यूनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी आपको, आपको कोई भी बिजनेस करना है, न्यू एंटिटी है आपको, सिंगल विंडो में आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, या तो कि आपको यहां से वहां नहीं भरना, और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। महाराष्ट्र के बारे में बात करो तो कैपिटल इसकी मुंबई है, सीएम आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, उद्धव जी, और यहाँ के गवर्नर आपके भरत सिंह कोश्यारी जी हैं, भरत कोश्यारी जी। अगला, हु बिकम्स अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मालवन क्रिकेट क्लब इन 233 इयर्स, 233 वर्षों में मालवन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष होने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो ये कौन है, क्लेयर क्लॉनर, मैग लैनिंग, माजियांग काप या स्मृति मंदाना, या आपकी क्ले कॉर्नर जी बनी है, क्ले कॉर्नर, ये भी करंट प्रेजेंट कौन है आपके, करंट कौन है, ये भी पहले, ये भी जो इनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट नॉन इंग्लिश थे जो आपके एमसीसी के प्रेजेंट बने, तो वो कौन था आपके, श्रीलंका के बहुत ही फेमस क्रिकेटर कुमार संगकारा, कुमार संगकारा, ठीक है। इसके बाद पहली महिला बन जाएंगे क्ले कॉर्नर जी। एमसीसी है क्या, ये आपका कस्टोडियन है क्रिकेट का, ये देख रेख करता है क्रिकेट के सारे रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एमसीसी डिसाइड करता है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, आउट कैसे होगा क्या नहीं। और एमसीसी जो आपका क्लब है वो आपका जो एक इंग्लैंड का फेमस ग्राउंड है लॉर्ड्स, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ये वहाँ पे बेस्ड है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो ये था आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आज के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि करंट अफेयर के कुछ इश्यूज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने आपसे डिस्कस करे, आई होप आपको मजा आया होगा। बात करते हैं, देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट, आप लोग ना मेरी बात को सीरियस ले नहीं रहे हो, इसलिए आप लोग इसमें एनरोल ही नहीं कर रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 3 महीने बचे हैं यार, एटलीस्ट 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेकर तो एनरोल कर लो, जिससे आपका पेपर निकल जाए रिटर्न, फिर 3 मंथ की फिर से ले लेना, ताकि जब आपको SSB पे निकल जाए। लेकिन अगर आप एक सोचे समझे खिलाड़ी हैं, अगर आप एक सोचे समझे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा आपको एटलीस्ट 6 मंथ से 1 ईयर का लेना चाहिए। बाकी आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं सर क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सब कुछ। टारगेट यूपीएससी NDA 1/2 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपकी बार लगेगा एनडीए में दहाड़ प्रणाम सर के साथ, प्रैक्टिस सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोर्सेज का, जो यू नो 22/2020 आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो चुका है अब तो, एक हम 2019 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं डिस्कस, अब 2018 का मंडे से शुरू करेंगे क्योंकि मंडे आ चुका है। लेकिन आपको कुछ टेंशन नहीं, अगर आपको अभी आप लॉन्च यू नो ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे कोर्स की, आप उसको देख सकते हैं जाके, आप उसमें वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप उसमें यू नो जाके मतलब कोई अगर डाउट रहता था आप, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा ना अपने, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। 22 से 30 तक के क्लासेस चलेंगे, 3 बजे दोपहर को क्लास होगी, 1 से 1:30 के क्लास है, ठीक है। और आपको कोड यूज़ करना है इस पर, यू नो देखिए बच्चों को लगता है आप सिर्फ एक कोर्स के लिए पैसे दे रहे हैं, आप सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं, आप पूरी सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आप पेइंग फॉर द होल सब्सक्रिप्शन एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप या तो प्रणव 10 लगा लीजिए, या प्रणव YT भी लगा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज अ कोड प्रणव YT, ठीक है। आप प्रणव YT का कोड यूज़ करेंगे तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप देखिए 10% का डिस्काउंट अपनी जगह, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको क्या मिलता है मेरी पर्सनल मेंटरशिप, मैं आपका मेंटोर अलॉट हो जाता हूँ, अनअकैडमी कोर्स है, वाईफ स्टडी कोर्स है, आई एम पर्सनल मेंटोर। और देखिए ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको पता होगा पर्सनल मेंटोर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो पर्सनल मेंटोर की तरह मैं आपके लिए ऐड करूँगा, मैं आपके लिए पूरा 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू 24/7, तो आप इससे कभी भी बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रणव टैंक का कोड लगाओ, या यू नो प्रणव YT का कोड लगाओ, जिससे मैं आपको पर्सनल मेंटोर मिलूँ, क्योंकि देखिए मेरी एज और आपकी एज में डिफरेंस नहीं है, 6-7 साल कुछ नहीं होता, जो प्रॉक्सिमिटी है हम मतलब हम जो ऑडियंस है उसकी, और मैं आप लोगों का दुख दर्द समझ सकूँ, क्योंकि मैं
खुद यू नो कुछ समय पहले तो सारे पेपर्स दे रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा कोड लगाइए, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए और मैं आपको एक पर्सनल गाइडेंस दे पाऊँ। मैं बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, मैं आपकी यू नो दुख दर्द समझ सकता हूँ। आप इस पर डिफेंस सामग्री का कोर्स भी कर सकते हैं एंजॉय, मेरा करंट अफेयर का कोर्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोर्स, नीरज सर का कोर्स, सुमन मैम का कोर्स, शैलेंद्र सर का कोर्स, विकास सर का कोर्स, सुनील सर का कोर्स, रवि सर का कोर्स। लेकिन मेरा कोड लगाने से आप इन कोर्सेज का एनरोल भी कर पाएंगे इनमें, और साथ साथ मेरे से ये भी पूछ पाएंगे कि सर इन कोर्सेज को कवर कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको तभी हेल्प कर सकता हूँ जब मेरे को पता हो कि आप क्या करने वाले हैं क्या नहीं। क्योंकि आप यू नो मेरे से पढ़ेंगे, मेरे से थ्रू आएंगे, तो मैं आपको यू नो पहले काउंसलिंग सेशन भी दूंगा, क्योंकि आप ऐसे कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि यार आप प्लेटफॉर्म पे आ चुका हो, आपको कैसे करना है सब कुछ, आपको कैसे हाइप नहीं होना, कैसे आपको स्ट्रेस लेना। आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9555092179 फॉर फर्दर डिटेल्स। ये कंप्लीट बैच है एनडीए के लिए 2014 से 2019 का, एनडीए वाला और एनडीए 2 का। जल्दी से एनरोल करो, जल्दी से आओ, और मैं बहुत जल्द अपने नए नए कोर्सेस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और मैं साथ साथ आपके एसएससी सीपीओ का भी कोर्स लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। आप उसके लिए भी प्रणव टेन और प्रणव आईटी का कोड लगा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए बाय गाइस। लेकिन अभी कल करंट अफेयर में से पहले मिलेंगे आपसे 1 से 2 आपके एफओस एक्सएम वाई ग्रुप एनडीए सीडीएस आपका की जो आपकी जीके की क्लास चलती है, तो उसके लिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओके, जय हिंद, बाय बाय।